नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। देखें, यहां पर आज जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है 24 अप्रैल 2022 को, उसका हम मॉडल आंसर देखने वाले हैं कि संभावित, मतलब इस प्रकार हो सकता है इसका आंसर। देखिए, यहां पर आज मैं कंप्यूटर का मॉडल आंसर बताऊँगा, संभावित है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन जरूर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग उसके बाद सामान्य ज्ञान का बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसके संभावित उत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो है पूरी तरह से संभावित आंसर रहने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसका जो एनालिसिस करने वाले हैं वो हमारा सेट सी है, ठीक है। तो अपने सेट के हिसाब से ध्यान रखिएगा, सभी सेट में एक जैसे ही प्रश्न रहते हैं, दोस्तों यहाँ पर कुछ कारण से डबल डबल आंसर आ रहा था, है ना। तो इसका आंसर होगा सर्च इंजन यूट्यूब से। अगला है कि गणित की गणनाएं की जाती है, तो गणित की गणनाएं किससे की जाती है, ALU से, यानी कि इसका आंसर डी होगा, है ना। ALU की गणनाएं की जाती है इससे। इसके बाद एक DVD की संग्रहण क्षमता होती है, तो किससे होती है, CD से ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर ए होगा, संभावित है। देखिए यहाँ पर 700 होता है इसका, CD से ज़्यादा होगा, मतलब इसका देख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हैं क्विक हिल क्या है। क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर बी होगा, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑफिस इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न कंप्यूटर वायरस की, या फिर कंप्यूटर वायरस क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर वायरस क्या है, तो इसका आंसर ए होगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ कहाँ से होता है, इक्वल से, यानी कि बराबर से। एक्सेल में सूत्र प्रारंभ बराबर से होता है। स्कैनर खाली स्थान है, स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए देखिए तकनीकी जो विशेषज्ञों का निर्णय लेने में सहायक होती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर AI होगा, पहला, ठीक है। इसके बाद देखेंगे संभावित आंसर बता रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, आंसर सी होगा, डॉट मैट्रिक्स। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर विंडो के पास कौन सा इंटरफेस होता है, तो ये आप सभी को पता होगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, आंसर सी होगा। रोम है, रोम क्या है, स्थाई मेमोरी है, रोम क्या है, स्थाई मेमोरी है, अस्थाई नहीं है, है ना। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है सभी के सेट से अलग अलग है, ABCD अलग अलग आता है ना, WW का क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। देखिए यहाँ पर मल्टीमीडिया एक प्रकार का पटल है, तो क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आंसर सी होगा इसका। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है, तो वित्तीय होगा, एक्सेल में नहीं है बोला है, तो वित्तीय होगा ना। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम आप सभी को पता है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि विंडो में कॉपी की शॉर्टकट की होती Ctrl+C। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सुपर कंप्यूटर है, है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका पूछता है, CPU को कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मैं आप लोग को बताऊंगा गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे, संभावित मॉडल आंसर देखेंगे, है ना। तो कल से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, कल आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को बने रहिएगा। चलिए, बाय बाय।